कब खुलेंगे स्कूल? वेट कर रहे हो? कब से लगेंगी आपकी क्लासेस? कब खत्म होगा आपका वेट और कब तक रहना पड़ेगा आपको घर? हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नरेंद्र दहिया एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और ये सभी सवाल जो मैंने भी पूछे ये आपके भी माइंड में चल रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर ये सभी सवालों के जवाब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 21 सितंबर की। जी हाँ, 21 सितंबर की डेट आपने सुनी होगी कि इस दिन से स्कूल खुलेंगे। बहुत सारे बच्चे खुश हैं इस बात को लेकर के हमारे स्कूल खुलेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है वो इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो ट्रायल बेसिस पर अपने स्टेट्स के अंदर स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट प्रॉपरली सिर्फ 9th to 12th क्लासेज। उसके पीछे भी कई सारी कंडीशंस है। सबसे बड़ी कंडीशन है कि अगर आपको स्कूल जाना है तो अपने पेरेंट्स से रिटर्न परमिशन लेकर के जाएंगे। लिखित में ये परमिशन आपके पास होगी, आपके पेरेंट्स आपको लिख करके देंगे कि हम अपनी स्वेच्छा से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे ही आप स्कूल में एंटर करते हैं आपकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, आपका टेम्परेचर नोट किया जाएगा। तीसरी चीज, आपके स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल के अंदर एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन अवेलेबल आपके लिए कराएगा। उसके बाद जब आप क्लासरूम में बैठेंगे तो वहां पर आपके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लगभग 6 फीट का होगा। 6 फीट दूरी पर आप बैठेंगे, मेरे से क्लासरूम में 20 से ज्यादा बच्चे आप नहीं एक साथ क्लास अटेंड कर पाएंगे। उसके बाद टाइम टू टाइम आपको सैनिटाइजर प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद आपको इस बात के लिए मनाही है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ चीजें शेयर करें, चाहे वो लंच है या कोई स्टेशनरी आइटम है। उसके बाद अगली चीज, रिसेस का जो टाइम होगा वो हर क्लास के लिए अलग अलग होगा, चाहे आप 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में है, अलग अलग टाइम पर आपको रिसेस प्रोवाइड की जाएगी। मीन्स कि आपका लंच टाइम अलग अलग होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी फेवरेट है कैंटीन, जहाँ पर बैठ के आप लंच टाइम को एंजॉय करते थे, कैंटीन स्कूल्स में ओपन नहीं होंगी। अगर ये सारी चीज़ें स्कूल फुलफिल करता है तो अगर वो स्कूल उन स्टेट्स में से है जहाँ पर जिन्होंने रिकमेंडेशन भेजी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा, इफ यू आर फ्रॉम सोनीपत और करनाल, तो आपके स्कूल से अगर ये अरेंजमेंट करते हैं तो वो ट्रायल बेसिस पर क्लास 9th to 12th की क्लासेस कंडक्ट करा सकते हैं ट्रायल बेसिस पर। जहाँ तक स्कूल्स की बात है, प्रॉपरली स्कूल्स की बात है, तो 30 सितंबर तक का तो नोटिफिकेशन इशू हो चुका है कि 30 सितंबर तक स्कूल्स ओपन नहीं होंगे। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि 21 सितंबर से चीज़ें नॉर्मल होंगी, सब चीज़ें ऑपरेट होंगी, स्कूल जाएंगे, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। ये न्यूज़ गलत है कि प्रॉपरली 21 सितंबर से आपके स्कूल ओपन हो गए। जी नहीं, सिर्फ ट्रायल बेसिस पर कुछ जगहों पर 21 सितंबर से स्कूल ऑपरेट होंगे, क्लास 9 से लेकर के 12th क्लास तक। अब आप किस क्लास में हैं, आपको क्या जानना है, आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनसे आप चाहते हैं उनको भी हम ये इन्फॉर्म कर सकें कि स्कूल कब से खुलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।